खबरों से जानकारी मिली है कि वरुण धवन करेंगे 1971 के वॉर हीरो खेतारपाल की बायोपिक में स्टार। ये फिल्म का टाइटल है 21 एंड इट्स बेस्ड ऑन लेट लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए थे इन 1971। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे श्रीराम राघवन। वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग डेब्यू की थी विद द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वरुण कहते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल इतने जल्दी बन जाएगा। वरुण ऑल्सो एड्स की वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट बहुत खुश और प्राउड है अबाउट द सीक्वल। आई थिंक टाइगर इज सुपर्ब, अनन्या एंड तारा आर कमिंग इन दिस फिल्म। आई थिंक मी, आलिया एंड सिड आई थिंक इक्वली प्राउड एंड हैप्पी। कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिल्म करूंगा और उसका सीक्वल बनेगा इतना जल्दी, वो भी। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे नजर आएंगी इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 अलॉन्ग विद टाइगर श्रॉफ एंड तारा सुतारिया। एंड जब अनन्या से पूछा गया अबाउट बीइंग ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया, तो अनन्या ने कहा कि इंस्टाग्राम के कमेंट्स जैसी छोटी बातें जहां लोग उनकी बुराई करते हैं, उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनन्या ने ये भी कहा कि वो सिर्फ जरूरी चीजों को चेस करती है। विवेक ओबेरॉय बताते हैं कि फिल्म मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त से पहले उनको ऑफर की गई थी, लेकिन शूटिंग डेट्स मैच ना होने के कारण उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी। शाहिद कपूर रिवील करते हैं कि अपनी आने वाली फिल्म कबीर सिंह के लिए उनको दिन में लगभग 20 सिगरेट्स पीनी पड़ती थी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बच्चों के पास घर लौटने से पहले वो 2 घंटे तक नहाते थे ताकि सिगरेट की स्मेल निकल जाए। मर्दानी 2 का प्लॉट हो चुका है लीक, एंड लाइक द प्रीक्वल ये फिल्म में भी लीड रोल निभा रही है रानी मुखर्जी। इस फिल्म में रानी दिखेगी है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड पिछले एडिशन की तरह इस फिल्म में भी उनका नाम होगा शिवानी शिवाजी रॉय। एंड इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक विशेष बैटल लड़ेगी एक 21 साल की लड़की के साथ, जो कि एक बेरहम विलन होती है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी एक साथ बड़े पर्दे पे नजर आएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर अपकमिंग थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म, जिसे डायरेक्ट करेंगे रूमी जाफरी। रूमी जाफरी कहते हैं कि जब आपके कैमरा के सामने इतने बेहतरीन एक्टर्स होते हैं और कैमरा के पीछे एक वेटरन प्रोड्यूसर, तो फिल्म बनाना हो जाता है एकदम फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ये फिल्म रिलीज होगी अगले साल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू मूवी टॉकीज फॉर मोर न्यूज ऑन बॉलीवुड।